नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त काना। आप सभी को तहेदिल से फिर से स्वागत करता हूं हमारी और एक दमदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसे अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आपको काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ ये बेल बटन है उसको भी दबा देना, क्योंकि ये बेल बटन अगर आप दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन में हमारा अगले जो भी वीडियो हम डालेंगे, अपलोड करेंगे, सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे और आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी लेट आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बदलाव तो संसार का नियम है। जिसने भी अपने आप को समय के साथ अगर नहीं बदलाना, वो बहुत पीछे रह गया और इतिहास गवाह है। नोकिया को उठा के देख लो आप सभी के घर में नोकिया फोन पहले था ना, लेकिन अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि नोकिया ने अपने आप को सही समय पर नहीं बदला। उसने एंड्रॉयड को अपनाया नहीं, उसने माइक्रोसॉफ्ट को अपनाया और उसके साथ धीरे धीरे लोग नोकिया को भूल गए ना। तो जो भी अपने आप को समय के साथ नहीं बदला, वो बहुत पीछे रह गया है। और आने वाला जो समय है, ये बदलाव का समय है और उसे हमें एडॉप्ट करना चाहिए। जैसे एचएमटी में अपने आप को समय के साथ नहीं बदला, रिजल्ट क्या आया? बहुत पीछे रह गया। वैसे दोस्तों, हम अगर अपने आप को अगर समय के साथ नहीं बदला करेंगे तो हम भी बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए मैंने ये डिसाइड लिया, बहुत तकलीफ के साथ ये बोल रहा हूँ, ये डिसीजन मुझे लेना पड़ा, क्योंकि समय के साथ अगर मेरा बदलाव नहीं करूँगा तो मैं भी बहुत पीछे रह जाऊँगा, ये बाकी जो कंपनियाँ आप नोकिया और एचएमटी की तरह। तो अभी आने वाले समय पे इस चैनल में आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं जो बदलाव की बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं बदलाव लाया हूँ। आने वाले समय पे आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे और उसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वीडियोस देखने मिलेंगे और एवरीडे मिलेंगे इस टाइप के वीडियोस, जिसमें आपको एक अच्छा इनकम का मिलेगा, इनकम का ग्रोथ आपको आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, चले टॉपिक पे आते हैं। थंबनेल तो देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक क्या है। यस, आई क्विट डायरेक्ट सेलिंग। व्हाई? कि मैंने क्यों छोड़ना का इतना बड़ा मैंने डिसीजन लिया है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा शेयर करना चाहूँगा मैं, ताकि आपको भी एक अच्छी डायरेक्शन पता चल जाए कि क्या है अंदर का जो सीन चल रहा है, क्या है। दोस्तों, पहले मैं आज एक यूजर के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में आया था। मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, बेहतरीन लगे, और मैंने मेरे पापा को कैंसर था और मैंने प्रोडक्ट देना शुरू किया और 6 महीने में कैंसर जैसा बीमारी से 3rd स्टेज में से वो एकदम ठीक नॉर्मल हो गए। उसके साथ साथ मुझे देखा कि मैंने एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है, और मैंने कैसा कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो उसके और रिसर्च किया और उसके अंदर जाने की प्लानिंग किया, और मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया है डायरेक्ट सेलिंग में। और उससे क्या हुआ कि देखिए, पहले हम नए होते हैं, ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है, पता नहीं होता है सामने वाला कि दिमाग में क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे साथ जो हुआ है, मैं जब काम कर रहा था, धीरे धीरे जो मेरे अप्लाइंट थे वो कुछ मिसगाइड किए, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसके साथ साथ मैं जो ग्रोथ चाहता था, ठीक है, और कोरोना भी आ गया, उसके साथ साथ फील्ड वर्क भी बंद हो गया, और जो ग्रोथ जो प्लानिंग था वो प्लानिंग, हर साल हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे और प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हो रहा था। उसके वजह से मुझे लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू क्विट। बट सही बताऊं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया चीज़ सीखने के लिए मिला। एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जैसे कि मेरा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, मुझे फील हो रहा है कि मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो पर्सनालिटी में मेरा डेवलपमेंट आया है मुझे वो फील हो रहा है। और उसके साथ बोलने का तरीका, अगर 10,000 लोग भी आ जाए ना, बेझिझक मैं सामने खड़ा होकर बोल सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया। और ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग की वजह से वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया। और उसके बाद हेल्थ रिलेटेड काफ़ी अच्छे नॉलेज मिल गया। हेल्थ रिलेटेड नॉलेज जो मिला है, मैं अपने फैमिली को गाइड कर सकता हूँ कि भाई हम ऐसे ठीक रह सकते हैं। तो हेल्थ वाइज काफ़ी नॉलेज मिला, तो पॉजिटिव बहुत है इस इंडस्ट्री में। बाकी आप लोग जो देख रहे हैं, इन्हें बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर जाना चाहते हो, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको जो जोड़ रहा है, आपको जो गाइड करने वाला है, पहले देख लो कि वो इंसान में वो पोटेंशियल है कि नहीं।
ठीक है, क्या वो ऑनेस्ट है कि नहीं? आप जुड़ने से पहले ये सारे चीज अगर आपको पता चल जाता है तो आपको अच्छा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम मतलब आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट हमें जो प्रॉब्लम आया और बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम है यार, मेरा खुद का एक फिटनेस सेंटर है जहाँ पे मैं मुझे उतना मतलब टाइम देना था, मैं टाइम नहीं दे पा रहा था एंड उसके वजह से मेरे जो फिटनेस सेंटर के जो मेंबर्स है वो जितना भी वो कम धीरे धीरे कम होते गए, तो बिजनेस में भी काफ़ी घाटा आ गया यहाँ पे। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए और मैं पार्ट टाइम कर रहा था डायरेक्ट सेलिंग में, तो बस लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग का लाइफ टाइम यूजर रहूँगा, चाहे कोई भी कंपनी हो, एक्स वाई जेड जो भी कंपनी हो, लाइफ टाइम मैं आज से आगे जाके लाइफ टाइम मैं डायरेक्ट सेलिंग का ही प्रोडक्ट यूज करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ट्रेडिशनल मार्केट से डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन होता है और चीप भी होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट। लेकिन काम जो है मैं आगे जाके क्रिप्टो में काम करूँगा, क्योंकि मुझे कहाँ भी फील्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने घर में रह के थ्रू ऑनलाइन काम कर सकता हूँ, ये पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में। और मेरा जो फिटनेस सेंटर है उसके उसमें भी और टाइम देना है मुझे, तो इसीलिए एक सही समय मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू एग्जिट, ठीक है ना। तो मैं क्विट नहीं बोलूँगा, मैं एग्जिट ले लिया हूँ ये बोलूँगा। और बाकी इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है, आप लोग को मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे, मेरे कुछ मतलब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि मुझे यहाँ से एग्जिट लेना पड़ा। और इसीलिए मैं आने वाले समय पे आप लोगों के लिए कौन सा वीडियो लाऊं इसके ऊपर मैं काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि दिस द राइट टाइम टू एंटर इन स्टॉक मार्केट। मैंने पिछले 5-6 महीना हो गया मैं स्टॉक मार्केट में नॉलेज ले रहा था, स्टॉक मार्केट ऊपर मैंने कुछ किताब लिया और उसको पढ़ने के बाद मुझे कुछ नॉलेज आया रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, और मैंने काफ़ी वीडियो भी देखा। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से भी कोचिंग लिया और एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगा कि भाई ये सही टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और काम करना है, और आप लोग जो हो उनके साथ ये नॉलेज को शेयर करना है। आप लोग को पता होगा कि नहीं, इंडिया में अभी स्टॉक मार्केट में केवल 3-4% लोग, जो मैक्स टू मैक्सिमम 3-4% लोग स्टॉक मार्केट करते हैं, कंपेयर टू यूएसए में 60% लोग करते हैं स्टॉक मार्केट। अभी ये जो वेव 3 आ रहा है इसके वजह से इंडिया में अभी ये इंडस्ट्री है काफ़ी ग्रो फेज में है अभी, तो इसीलिए मैं चुना कि इस इंडस्ट्री में मुझे काम करना चाहिए। और उसके साथ क्रिप्टो में भी 1% पूरे इंडिया में 1% लोगों को नॉलेज है क्रिप्टो में और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं सही 1%। यूएसए में देखोगे आप 50-60% और उससे भी ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन इंडिया में 1%। तो मुझे ऐसा लगा कि इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल बहुत है और आगे जाके मैं इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसके ऊपर आपको नॉलेज नहीं है इसीलिए पता नहीं हमको कि क्या करना है क्या नहीं, तो आगे जाके इस चैनल पे आपको वो सारे चीज़ मिल जाएगा कि क्या कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो में कैसे मतलब छोटे छोटे सेविंग्स करके आप अच्छा रिटर्न्स कैसे पा सकते हो, उसके ऊपर सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों। बाकी बहुत सारा प्यार आपको, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, और बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, ठीक है, आपकी सपोर्ट मुझे मतलब बहुत चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बस इतना बोलूँगा कि चैनल में बने रहिए और आगे फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। टिल देन, टाटा बाय।